Hey modern champs of class 3rd, how's you all? I hope so all are very good and enjoying your study very well. So dear student, today here I'm going to teach you your English reader book. So all are, take your book and open chapter 4, Why Nobody Pets the Lion at the Zoo. Okay, this is your part 3rd. Before this part 3rd, we have complete all the part 2nd and 1. Okay, so this is your part 3rd. All dear student, take your book and open chapter 4, Why Nobody Pets the Lion at the Zoo. Okay, चलिए अब हम start करते हैं. Dear student, we know that why nobody pets the lion at the zoo. What is the means of this chapter? बच्चों, हम lion को क्यों एक पालतू जानवर की तरह नहीं पाल सकते जो जू में रहता है. ओके, तो आप सभी को पता है ना कि हम क्यों नहीं पाल सकते. हाँ, तो इसलिए अब हम आगे के लाइंस में कुछ लाइंस जो हैं वो इंडिकेट करती है कि क्यों हम लॉयन को पाल नहीं सकते. ओके, चलिए आगे के हम पोएम को आगे कवर करते हैं और उसको कॉपी में राइट करेंगे. डियर स्टूडेंट, कम टू योर लाइन. आई थिंक दैट as it ought to be and not as it was taught to me. अब फिर से लाइन को ध्यान देखिए. I think that as it ought to be and not as it was taught to me. डियर स्टूडेंट, इसमें यही बताया गया है, आपने पोएम को पढ़ा है, कि हम लॉयन को नहीं पाल सकते क्योंकि इसके जो टेथ होते हैं काफ़ी डेंजरस होते हैं. ये तो देखने में आपको इनोसेंट सा दिखेगा, लेकिन जब आप इसको देखते हैं तो उसके जो टेथ है वो काफ़ी देखने में डेंजरस है और लगता है कि वो अभी आपको काट लेगी. ठीक है, तो इसमें यही बताया गया, आई थिंक दैट्स एट इज़ ऑट टू बी एंड नॉट एज इट वॉज टॉट टू मी, कि मैं ये सीख नहीं सकता हूँ, कि मुझे सिखाना नहीं पड़ेगा कि मैं वो जो सोच रहा हूँ गलत सोच रहा हूँ. मैं क्या सोच रहा हूँ, आई थिंक द लॉयन हैज़ अ राइट टू ग्रोल अ ग्रोल एट बाइट एंड बाइट, कि मैं यही सोच रहा हूँ कि जो लॉयन है वो राइट है, उसकी जो टीथ है वो काटने के लिए बनी है और वो क्या करेगा, वो काट लेगा. बाइट ए बाइट, इट मीन्स दैट वो खाने की तरह अपना शिकार करता है और क्या करता है, बाइट, इट मीन्स दैट काट लेता है. ओके डियर स्टूडेंट, ग्रोल मीन्स क्या होता है, आपको बताया गया है ना, ग्रोल मीन्स होता है साउंड ऑफ लॉयन, इट मीन्स दैट रोरिंग. ओके, मैं सोचता हूँ कि लॉयन सही है, वो दहाड़ते हुए आएगा और मुझे खाने की तरह काट लेगा. यहाँ आपको आपको पता है ना कि लॉयन जो है वो मैन से मिलता है और मैन से मिलता है, दोनों आमने सामने होते हैं और यहाँ पे पोएट यही सोचता है कि अगर लॉयन जो है वो देखने में तो काफ़ी मासूम दिख रहा है, लेकिन उसके जो टीथ है वो उसको काट लेंगे और वो सही सोच रहा है. ओके, कम टू द नेक्स्ट लाइन्स. एंड इफ़ द लॉयन बॉदर एडम ही शुड हैव ग्रोल राइट बैक एट एम, कहता है कि अगर एडम, इट मीन्स दैट यहाँ पे पोएट अपने आप को फर्स्ट मैन बता रहा है, फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि अगर लॉयन मुझे खा लेगा तो ही शुड हैव ग्रोल्ड राइट बैक एट एम, कहता है तो यह मुझे वापस भेज देगा, दहाड़ते हुए वो मुझे वापस भेज देगा. ओके, नेक्स्ट लाइन को देखते हैं. दे वेट टू ट्रीट अ लॉयन राइट इज ग्रोल फॉर ग्रोल एंड बाइट फॉर बाइट, फिर से कहते हैं कि देखने में ऐसा लगता है कि उसका रास्ता ऐसा है कि वो मुझे दहाड़ते हुए काट लेगा. क्यों काट लेगा, बिकॉज ट्रू द लॉयन इज़ बेटर फिट फॉर बाइटिंग देन फॉर बीइंग बिट, लगता है कि लॉयन सच में इस तरीके से फिट है कि वो सिर्फ काटने के लिए ही बना है. ओके, नेक्स्ट लाइन को देखते हैं. दिस इज योर एंडिंग पार्ट ऑफ दिस पोएम, सो डियर स्टूडेंट रीड केयरफुली. यहाँ पे जॉन सिराडी कहते हैं, बट इफ़ यू लुक हिम इन द आइज यू विल फाइंड द लॉयंस रेदर शाई, यहाँ पे जॉन सिराडी कहते हैं कि अगर आप लॉयन की आइज में देखते हैं, ओके, तो आपको ऐसा लगेगा कि लॉयन जो है शाई है. शाई मीन्स क्या होता है, शर्मिला टाइप का है. हाँ, ही रियली वॉन्ट्स समवन टू पेट हिम, द ट्रबल्स इज
हिस्ट्री वुड नॉट लेट हिम। कहते हैं कि अगर वह चाहते हैं कि लॉयन को पेट बना ले, इट मीन्स दैट पाल ले, बट यह बहुत ट्रबलिंग है, बहुत कष्टप्रद है कि उसके जो टीथ हैं वो इस चीज़ को सफल नहीं होने देंगे। इट मीन्स दैट लॉयन के जो टीथ हैं वो काफ़ी शार्प एंड डेंजरस हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं। ही हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड बीनिथ बट द लॉयन जस्ट कांट ट्रस्ट हिज टीथ। यहाँ पे जॉन सिराडी एक्सप्लेन करते हैं, ही मीन्स कौन है, यहाँ पे लॉयन को ही बताया गया है कि लॉयन जो है वो हार्ट का बहुत ही अच्छा है, हार्ट ऑफ गोल्ड इट मीन्स दैट हार्ट का बहुत ही अच्छा है, दिल का बहुत अच्छा है, बीनिथ इट मीन्स दैट अंदर से, बट उसकी जो टीथ हैं इट मीन्स दैट जो उसकी डेंजरस टीथ हैं उस पर वो ट्रस्ट नहीं कर सकते बिकॉज वो कभी भी काट लेगा। तो बच्चों आपको पोएम में समझ में आ गया होगा कि इसलिए हम लॉयन को नहीं पाल सकते। ओके अब आपको क्या करना है बच्चों, आज हम आपके होमवर्क को देखते हैं और होमवर्क में आपको क्या करना है, डियर स्टूडेंट आप 4 लाइन पोएम और राइट करेंगे, आई थिंक दैट्स एज इट ऑट टू बी से टू ग्रोल अ ग्रोल एंड बाइट अ बाइट। ये आपका होमवर्क है, आपको इसको अपने कॉपी में राइट करना है और लर्न करना है। डियर स्टूडेंट इसके पहले आप पोएम के 4 लाइन को राइट करिए, आपको जो भी वर्ड डिफिकल्ट लगता है और टॉट थिंक राइट क्रोल बाइट थिंक्स, आपको जो भी वर्ड टफ लगता है और जो भी वर्ड आपको टफ लगेगा उसे एज अ डिफिकल्ट वर्ड आप अपने कॉपी में चूज करके राइट करेंगे। सो बच्चों आपका होमवर्क आज का क्या है, आपको 4 लाइन पोएम राइट करनी है एंड डिफिकल्ट वर्ड राइट करना है। ओके दिस इज योर होमवर्क, पोएम एंड डिफिकल्ट वर्ड, आपको जो भी वर्ड डिफिकल्ट लगते हैं आप पोएम से सेलेक्ट करके एज अ होमवर्क आप राइट करेंगे अपने कॉपी में और शो करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट यू ऑल आर एंजॉइंग योर वीडियो एंड स्टडी वेल, थैंक यू सो मच।